हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है केदारनाथ, श्रद्धा और भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। यहाँ की हवा AUM नमः शिवाय के जाप से गूंजती है, जो अनगिनत भक्तों के आध्यात्मिक जोश को दर्भाती है। केदारनाथ अपनी प्राचीन कथा और अद्भुत सौंदर्य के साथ हमें ईश्वर की एक झलक देता है। इस मंदिर का इतिहास समय के गर्भ में खो गया है। इसकी कहानी महाभारत के किस्सों से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण महाकाव्य के नायकों पांडवों ने तपस्या के रूप में करवाया था। मंदिर की पत्थर की वास्तुकला, सदियों से कठोर मौसम का सामना करने वाली इसकी मजबूत संरचना विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था के दृढ़ता को दर्शाती है। हर साल जब सर्दियों की बर्फ पिघलने के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो पूरे देश में भक्ति की एक लहर दौड़ जाती है, जो तीर्थयात्रियों को इस पवित्र धाम की ओर खींच लाती है। महाभारत, धर्म और कर्म की अपनी जटिल कहानियों के साथ पंच केदार तीर्थ यात्रा की नींव रखता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद विजयी पांडव भाइयों ने अपने ही रिश्तेदारों को मारने के अपराध बोध के तले दबे मुक्ति के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। हालांकि शिवजी उन्हें आसानी से क्षमा करने को तैयार नहीं थे, वे अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और मवेशियों के बीच छिप गए। पांडवों ने अपनी अथक खोज में बैल का पीछा किया। भाइयों में सबसे बलवान भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि बैल जमीन में समा गया, जिससे उसके शरीर के 5 भाग अलग अलग स्थानों पर रह गए। ये 5 स्थल, जिनमें से प्रत्येक शिव के दिव्य रूप के एक अलग पहलू को चिन्हित करता है, पंच केदार के रूप में जाना जाने लगा। पंच केदार यात्रा अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की तीर्थ यात्रा है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा भक्त की आत्मज्ञान की खोज को दर्शाती है। 5 मंदिर शिव के एक विशिष्ट रूप को समर्पित हैं और एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। केदारनाथ मंदिर, जहां बैल का कूबड़ प्रकट हुआ था, सबसे प्रमुख है। यहां शिव की पूजा केदारेश्वर क्षेत्र के स्वामी के रूप में की जाती है। आगे मध्यमहेश्वर में बैल की नाभि उभरी। यहां का मंदिर छोटा और अधिक एकांत है, जो ब्रह्मांड की नाभि का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्यमहेश्वर को समर्पित है। तुंगनाथ में, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है, बैल की बाहें प्रकट हुई। हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्यों वाला यह मंदिर तुंगेश्वर को समर्पित है, जो शिव की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। घने जंगलों के बीच बसा रुद्रनाथ उस स्थान को चिन्हित करता है, जहां बैल का चेहरा दिखाई दिया था। यहां शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है। उनका नीला गला दुनिया को बचाने के लिए जहर पीने की उनकी करुणा की याद दिलाता है। अंत में कल्पेश्वर में बैल के बाल और सिर प्रकट हुए। एक गुफा में स्थित यह मंदिर कल्पेश्वर को समर्पित है, जो समय और सृजन पर शिव की शक्ति का प्रतीक है। खंड 4, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के बीच तीर्थ यात्रा। पंच केदार यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक सहन शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक दृढ़ संकल्प का भी परीक्षण करती है। इन ऊंचे पहाड़ी मंदिरों तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ी रास्तों, उफनती नदियों और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। फिर भी यह चुनौती ही इस तीर्थ यात्रा को और भी ऊंचा करती है। इसे भक्त की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के रूपक में बदल देती है। उठाया गया हर कदम, पार की गई हर बाधा ईश्वर को एक अर्पण बन जाती है। साथ ही तीर्थयात्रियों के बीच की दोस्ताना भावना, साझा कठिनाइयां और खुशी के पल एक समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना पैदा करते हैं। पतली और ताजी हवा भजनों और मंत्रोच्चार से गूंजती है, यात्रा को एक स्पष्ट आध्यात्मिकता से भर देती है। हिमालय की लुभावनी सुंदरता, आसमान को छूते बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियों की आवाज से गूंजती हरी भरी घाटियां प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती हैं। खंड 5, ईश्वर की छाया में। पंच केदार यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है, आंतरिक शांति और मुक्ति की तलाश है। यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ईश्वर के करीब ले जाती है। जो कष्ट सहे जाते हैं, जो चुनौतियां पार की जाती हैं, वे सब उस शांति और संतुष्टि की तुलना में फीके पड़ जाते हैं, जो पवित्र मंदिरों तक पहुंचने पर भक्त पर छा जाती है।
मंदिरों की दिव्य आभा, प्राचीन मंत्रोच्चार की गूंज, हिमालय के मनमोहक दृश्य, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जो विनम्र और रोमांचकारी दोनों है। प्रकृति की इस अप्रतिम सुंदरता और ईश्वर की स्पष्ट उपस्थिति से घिरे इन क्षणों में ही व्यक्ति वास्तव में आस्था और समर्पण का अर्थ समझ पाता है। पंच केदार यात्रा आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी यात्रा जो मानव आत्मा को प्रेरित और ऊपर उठाती रहती है।